हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे SHY डढ़वाल चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि टायरों में हवा कितनी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा अगले टायरों में और पिछले टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, और ज़्यादा हवा करवाने से आपकी गाड़ी कितना नुकसान कर सकती है। अभी सुबह मैंने एक वीडियो देखी, उस भाई ने ये कहा ये मारुति की गाड़ियाँ जो है बहुत आवाज़ करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवाज़ दो या तीन रीजन से गाड़ी आवाज़ खिड़की बॉडी करती है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने टायरों में आगे और पीछे 28 पाउंड आगे और 28 पाउंड ही पीछे हवा करवाओ। अगर आप करवाते हो 35 या 40 पाउंड हवा, उससे सोकर जो है सांस नहीं ले पाते, इसलिए गाड़ी आप जंप पे से उतारते हो और गड्ढे में पहिया गिरता है तो ज़्यादा ही बॉडी भी बहुत आवाज़ करने लग जाती है गाड़ी की, और कुछ दिन बाद आपकी बॉडी ज़्यादा ढीली हो जाती है गाड़ी की, और खिड़कियाँ भी, जो गाड़ी की खिड़की होती है ये भी ज़्यादा आवाज़ करने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जिन किसी के भी पास भी, हर किसी बंदे के पास गाड़ी है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने चारों टायरों में 28 पाउंड ही हवा भरवाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है ना मेरे भाइयों। तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा अब जा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।